अजीज खान, पूरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए चाहे जिसकी बलि देनी पड़े, जिसकी कुर्बानी देनी पड़े दे देंगे। अगर वो पिछड़ों का हक मारा जा रहा है तो उसकी चिंता किए बगैर हम आरक्षण का बंदरबांट कर देंगे। रंजीत भाई, मैं कह रहा हूं कि सत्ता को पर बने रहने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुझे लग रहा कितना जहर बोया जाएगा। हकीकत यह है, आज आप देखिए ना, ये वो लोग हैं आरक्षण में बात कर रहे हैं कि जो डिजर्व करते हैं, जो लोग आज आप देखिए ओबीसी समाज उसका हक नहीं दे रहे हैं। जातीय जनगणना की बात हो रही है, वो नहीं हो रहा है। तमाम जातियां ऐसी हैं जो बहुत बहुत जरूरतमंद हैं, 17 अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। 66 दलित समाज, 66 जातियां हैं दलित समाज की, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। आज आप देखिए, लेकिन बातें बड़ी बड़ी, तमाम यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स हुए, दलितों को उनका हिस्सा नहीं मिला, ओबीसी समाज का उनको हिस्सा नहीं मिला। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें ओबीसी समाज का 27% आरक्षण था, केवल 4% मिला, 23% ये सरकार खा गई। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आज ओबीसी समाज की हित ऐसी है, आज बात कर रहे हैं साहब पिछड़ों की, दलितों की, और कहने का मकसद हमारा, मैं कह रहा हूं अजीज खान, अजीज खान और पता नहीं जो क्या सवाल क्या है उसका जवाब आप नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं किस देश का संविधान कहता है कि आरक्षण का सिर्फ एक ही आधार है, वो है सामाजिक पिछड़ापन। कोई आर्थिक पिछड़ापन उसका आधार नहीं हो सकता, एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है आरक्षण। तो मैं पूछ रहा हूं जो सवाल, और जो सारे सवाल, जो ये सवाल बाकी लोग भी पूछ रहे हैं, जो बहुत सारे पिछड़ों और दलितों के नेता भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक। रंजीत भाई, इसका जवाब आप नहीं दे रहे। अरे सर, उसी पे आ रहे हैं ना, आप तो बहुत विद्वान पत्रकार हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है और कौन लेके आया इसे? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन भाई, ईडब्ल्यूएस के आया। तो भाई ईडब्ल्यूएस के तहत अगर लगता है कि आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से अगर आरक्षण देना है तो ईडब्ल्यूएस के तहत दिया जाना चाहिए था। उनको ओबीसी में किसने डाला? मुसलमानों को ओबीसी किसने बनाया? मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों को ओबीसी किसने बनाया? किसने बनाया ओबीसी? सर, अरे सर, मुझे एक बार कह रहा हूँ ना कि आप बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बात करें, मेरी बात कंप्लीट होने दें। नहीं, आप इसका जवाब नहीं दे रहे ना अजीज खान। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा हमारे साथ अजय वर्मा आ गए हैं, अजय वर्मा के पास चलते हैं। सवाल की शुरुआत, हाँ नहीं, मुझे बोलने नहीं दे रहे रंजीत भाई, तरीका गलत है। नहीं तो अगर आप 30 सेकंड में इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुसलमानों को ओबीसी किसने बनाया और क्यों बनाया? आप ये मुसलमान लिए हल्ला कर रहे हैं, मुझे बात करने दीजिए। आप ईडब्ल्यूएस बीजेपी लेके आई, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं देंगे। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने तो कहा कि अगर मुसलमान आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अगर आर्थिक रूप से पिछड़े होने की वजह से उनको मिलना चाहिए तो ईडब्ल्यूएस में देना चाहिए था। ओबीसी किसने बनाया, क्यों बनाया, सवाल ये है। अब आप अजय वर्मा, आप नहीं जवाब देंगे, मैं जानता हूँ इसका जवाब आप नहीं देंगे, आपके पास इसका जवाब है भी नहीं। अजय वर्मा क्या सिर्फ चेंज कर रहे हैं आप? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। अजय वर्मा, क्या मुसलमानों को इस देश में ओबीसी का दर्जा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे आपको खुश रखना है? अब ये तो मोदी जी बताएंगे कि पसमांदा समाज को वो क्या बहलाकर लॉलीपॉप चुसा के पूरे हिंदुस्तान में। पसमांदा समाज से मित्रों, ये भारत की आजादी की और भारत की उम्मीद की और विकास की बात करता हूं। देखिए, भारत का आर्टिकल 15 और 16 अल्पसंख्यकों को और पिछड़ों को आरक्षण देने की वकालत करता है, धर्म के आधार पर देने की वकालत नहीं करता। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम धर्म 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 के आधार पर अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, इनके सारे मुख्यमंत्री हो, हर हिंदुस्तान की हर चुनाव सभा में धर्म 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 धर्म। अरे भाई, अजय वर्मा, आप धर्म के आधार पे आप इतने तमाम तरह के प्रपंच रच रहे हैं, लेकिन कोई उस प्रपंच पर अगर उंगली उठा दे तो वो कम्युनल हो जाएगा। और धर्म के आधार पे जो प्रपंच रच रहा है, जो कर रहा है, करने वाला कम्युनल नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो उस करतूत पे उंगली उठा देगा, उंगली रख देगा, वो कम्युनल कहा जाएगा। भाई, आपने धर्म के आधार पे अगर आप आरक्षण की अगर नहीं इजाजत है संविधान में, तो मुसलमानों को ओबीसी क्यों बनाया?
क्यों दर्जा दिया ओबीसी का? भाई मुसलमान तो कह मुसलमानों में कहा जाता है कि इसमें कोई जाति नहीं होती, ये समता पर आधारित समता मूलक धर्म है। तो भाई किस आधार पर ओबीसी का दर्जा दिया उसको? और किसने दिया? सवाल ये है किसने दिया? वो जाहिर सी बात है वो गैर बीजेपी सरकारों ने दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। चलाना बंद करेंगे तो मैं आपको बताऊं। देखिए भारत जो है 2014 में आजाद हुआ था। ये कंगना रनौत इनकी एक एमपी होने वाली हार रही है, हालांकि वो कह रही थी कि भारत को आजादी नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई। तो इससे पहले की बात आप ना करें, तो ये एजेंडा ना चलाएं तो बेहतर है। 14 के बारे की बात बताता हूं मैं आपको, एक ईपीसी करके 14 के बाद की बात क्यों ना करें भाई? राहुल गांधी कह रहे हैं सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस देश का सिस्टम दलितों और पिछड़ों का विरोधी है। वो सिस्टम कौन बनाता है भाई साहब? वो सिस्टम किसका था? वो सिस्टम किसका था जिसने कि मुसलमानों को ओबीसी बनाया और उनका हक मारा? तेलंगाना में जो आरक्षण दिया गया है वो 4% ईपीसी, वो आरक्षण अलग से आरक्षण है, उसका संविधान दिया गया है। कर्नाटका में जो आरक्षण था वो प्रज्वल रेवन्ना के दादा भाई आपका ये, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप नहीं दे रहे। आप 2014 के बाद की बात मैं कर रहे हैं भाई। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं सिस्टम को करीब से जानता हूँ, मैं ही सिस्टम हूँ, मुझसे ज्यादा सिस्टम कोई नहीं समझता, तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई वो सिस्टम, उस सिस्टम की पर भी जवाब दीजिए ना जो 2014 के पहले चल रहा था। 2004 में माइनॉरिटी टैक्स देने का सिस्टम शुरू किया, आरटीई के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बाहर कर दिया, आपने मुसलमानों को ओबीसी का टैग दिया, ये सिस्टम कौन बना रहा था साहब? इसके बारे में भी बोलना पड़ेगा ना। ये तो जब हम सिस्टम में आ रहे हैं अभी 24 के 4 जून गुरु प्रकाश पासवान सिस्टम का सवाल है, ये सिस्टम कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है ये सवाल है। अभी तो सरकार से आप सवाल, ये तुष्टीकरण वाला सिस्टम कोई जो बनाया जा रहा है इसके पीछे की पीछे मकसद क्या है? हाँ, ये क्यों हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रहे हैं? रंजीत जी लगता है मेरी बारी है। रंजीत जी, हाँ रंजीत जी, देखिए ऐसा है कि हम आभार प्रकट करना चाहते हैं, हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने अंतत्वगत्व इस बात को स्वीकार किया कि सिस्टम में खराबी है। सिस्टम में कौन है, सिस्टम की परिभाषा क्या है? सिस्टम की परिभाषा इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी, इन लोगों के वजह से 90% दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका स्थान नहीं मिला। राहुल गांधी जी, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन मात्र स्वीकार्यता से कुछ नहीं होगा, आपको जवाबदेही तय करनी होगी, आपको यह तय करना होगा। आपके प्रधानमंत्री 2007 में कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। यदि आपने कहा होता, यदि आपका सिस्टम इतना संवेदनशील होता, तो आपके प्रधानमंत्री ये कहते कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के, मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब, आप थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। संस्कार का अपना परिचय मत दीजिए आप, या कांग्रेस का परिचय मत दीजिए आप, नहीं यार कांग्रेस का परिचय मत दीजिए आप। रंजीत जी, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा था, एक तो कांग्रेस यहाँ मत दिखाइए, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता हूँ रंजीत जी। नहीं अजय वर्मा, उनको अपनी बात पूरी करनी है। रंजीत जी, मैं इनसे बहस नहीं कर सकता हूँ, रंजीत जी मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। झूठ का एजेंडा मत चलाइए रंजीत जी। रंजीत जी, हम लोग शांति से अपने डिबेट करते हैं। रंजीत जी हम लोग शांति, ये समय की बर्बादी करते क्यों बुलाते हैं? अरे भाई आप वहां भी, आप यहाँ भी, मुझे मैं, आप मुझे नहीं बोलने देंगे, आप गुरु प्रकाश पासवान को क्यों बोलने देंगे? अजय वर्मा नहीं बोलने देंगे ना गुरु प्रकाश को, अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। अजय वर्मा, उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, आप हर बार ऐसे टोकते रहेंगे तो कैसे बात होगी? झूठ बोलो, अरे तो आप भी झूठ बोल लीजिएगा उनके बराबर। चलिए, ये समय की बर्बादी कर रहे हैं रंजीत जी, ऐसे क्यों? अरे उनको अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, ये व्याकुल हो रहे हैं। मैं इनसे बहस नहीं, बौद्ध पारसी सब आते हैं। अजय वर्मा, बात आगे बढ़ने दीजिए ना, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए, ऐसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं। हां गुरु प्रकाश, आप अपनी बात पूरी करिए, हां जल्दी से, समय कम है थोड़ा। हां रंजीत जी, या तो मैं पूरा डिबेट डीरेल कर दूं, या मैं इनके साथ नहीं आप अपनी बात पूरी कर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 17 करोड़ लोग मेरी पार्टी के सदस्य हैं। गुरु प्रकाश जी की आवाज जाएगी अब ऑन एयर। हाँ चलिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है अपनी बात पूरी करिए। हाँ देखिए, मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, ये जो सिस्टम की बात कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, आज उनको जवाबदेही भी तय करनी होगी।
आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये संविधान के धारा 15, 16 और धारा 340 के विरोध में है। आप मुसलमानों को आरक्षण कैसे दे सकते हैं? जो न्याय ओबीसी के साथ, एससी के साथ, एसटी को होना था वो आपने मुसलमानों को दे दिया है। आपकी मानसिकता ऐसी है, आप तुष्टीकरण करना चाहते हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमानों का है। आपके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कहते हैं कि सारे के सारे संसाधनों को बंटवारा कर दो। इसका मतलब तो यही है ना कि आप सारे के सारे संसाधनों को मुसलमानों को देना चाहते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम तुष्टीकरण का चेहरा है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम है, आप मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात को स्वीकार करिए, इंदिरा गांधी जी राम मंदिर नहीं आएंगे, जनता की बात राम मंदिर नहीं आएंगे। आपकी बात आ गई, अब जनता की बात भी शामिल कर लेते हैं।